अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के वीडियो में हमने ये जाना कि जो नोमैड वीज़ा है या रिमोट वर्किंग वीज़ा स्पेन के लिए, तो वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कल दे दिया। लेकिन आज मैंने आपको पार्ट टू में ये बताया कि बताना चाहता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो नोमैड वीज़ा है या स्पेन का नोमैड वीज़ा या रिमोट वर्किंग वीज़ा, यानी आप रिमोटली काम करेंगे, ऑफिस के बाहर काम करेंगे। ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस के बाहर आप रिमोटली आप घर में काम कर सकते हैं, होम बेस्ड है, तो ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेन इसके लिए वीज़ा प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जो डिजिटल, जो फ्रीलांसर है, जो फ्रीलांसर का काम करते हैं, या यूट्यूबर है तो उनके लिए, यूट्यूबर है या ब्लॉगर है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, या वो अपना कोई फ्रीलांसर का काम करते हैं, उनकी इनकम अच्छी खासी आती है, तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 अबव यूरो उनकी इनकम पर मंथ आती है, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। और इसकी रिक्वायरमेंट कल जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए बेहतरीन, उसके लिए एक वो एलिजिबल है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी जैसे मैंने आपको बताया वो यूट्यूबर है या ब्लॉगर है या कोई उसकी अपनी कंपनी है जिसकी अच्छी खासी इनकम आती है और वो अपना सेटअप स्पेन में करना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसके लिए तब एलिजिबल है, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है, वो ये है, स्पेन ने रखी है, वो है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं या आपने पीजी डिग्री की है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अंडर ग्रेजुएट, पीजी डिग्री, या आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में जो आप फ्रीलांस का काम करते हैं, 3 साल का कोई एक्सपीरियंस है, तो ये आपके पास होना चाहिए। नंबर सेकंड, आप इस वीज़ा पे अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन में आप स्पाउस है और चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट है, या आपका कोई रिलेटिव है, फादर है, मदर है, वो भी आप इनवाइट कर सकते हैं इस सिंगल एप्लीकेशन में। इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपको NIE, जो स्पेन की रेजिडेंसी का नंबर NIE नंबर है, वो पहले अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई करना पड़ेगा अपने सारे जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट करने से पहले, और वो उसके साथ अटैच करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन नंबर है जो उन्होंने, जब आप अप्लाई करेंगे वो NIE एप्लीकेशन नंबर जो आपने की जो फाइल किया है, वो एप्लीकेशन नंबर NIE नंबर वो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड है, वो क्या इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। एक है एप्लीकेशन फॉर्म जो आप इंडिविजुअली फिल करेंगे, अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके चिल्ड्रन, आपकी वाइफ स्पाउस हैं, तो उनके लिए अलग अलग से एप्लीकेशन आप अटैच कर सकते हैं। और फोटोग्राफ, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, और जो पासपोर्ट है वो कॉन्सुलेट के पास आपको जमा करना पड़ेगा। जो कॉन्सुलेट आपका अपनी कंट्री का, अपने मुल्क का जो कॉन्सुलेट ऑफिस है वहाँ पे आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट। नंबर 6, PCRA रिपोर्ट। PCR रिपोर्ट जो है, क्रिमिनल बैकग्राउंड रिपोर्ट, पुलिस से जो आप पुलिस का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आपको सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ द वीज़ा फ़ी, यानी वीज़ा फीस जो है, जो भी रिक्वायर्ड वीज़ा फ़ीस है वो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे वीज़ा फ़ीस कितना है इसका और ये कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और क्या प्रोसीजर है फर्दर, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, जो गवर्नमेंट का लिंक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस के आप इंडिविजुअली और अपने डिपेंडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेप्ट जो कवर है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत मिनिमम चार्जेस है इसके लिए, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। और मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप अपनी वाइफ, चिल्ड्रन, बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट अपनी वाइफ का अटैच करके एप्लीकेशन के साथ, और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट,
यानी नादरा से अगर पाकिस्तानी है तो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट म्यूनसिपलिटी, या इंडिया से म्यूनसिपलिटी सर्टिफिकेट डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, या बांग्लादेश से है डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और इसके लिए ये सारे सर्टिफिकेट अपोस्टल और ये लीगलाइज होना चाहिए, मस्ट है। इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि कैसे अप्लाई करेंगे, BLS इंटरनेशनल सेंटर हर एक मुल्क में, जो स्पेन गवर्नमेंट ने BLS इंटरनेशनल थर्ड पार्टी जो है वो ये सबमिट, वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। स्पेन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है हर एक मुल्क का, अपने कंट्री में वीज़ा एप्लीकेशन BLS का है ऑफिस, वहाँ पे ये जमा कर सकते हैं। इसके साथ जो है आपने ज़रूरी लाजमी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो आपने NIE अप्लाई किया है वो सर्टिफिकेट या प्रूफ ऑफ अप्लाइड यानी रिसीद उसका, वो उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करना लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है। और जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो BLS वाले, BLS ऑफिस आपको, वीज़ा सेंटर आपको एक ट्रैकिंग नंबर देंगे। वो ट्रैकिंग नंबर आप जो है गवर्नमेंट की, स्पेन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो आप चेक करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है और इसका क्या स्टेटस है। वो भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी अगर मिसिंग डॉक्यूमेंट है जो आपने इसके साथ प्रूफ नहीं रखा है तो वो आपको नोटिस दिया जाएगा, वो आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपके कोई जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो आप इसके साथ अटैच करें, क्योंकि वो जो है कोई भी वो आपको इंटीमेट किया जाएगा जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है इसमें। और आप इसका डिसीशन डेडलाइन जो है वो ऑलमोस्ट 20 डेज है, यानी 20 दिन में आपको डिसीशन मिलेगा कि इसका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, या अगर वीज़ा डैनियल हुआ है, वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो उसको भी आपको 20 डेज, विद इन 20 डेज आपको इसका स्टेटस मिल जाएगा। लीगली जो है वो 10 डेज इन्होंने दिया है नोटिस, 10 दिन के अंदर अंदर आपको इसका, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक सिस्टम है। स्पेन ने ये 2023 जनवरी से स्टार्ट किया है नोमैड वीज़ा, और ये इसका जो है फास्ट ट्रैक सिस्टम वो स्पेन गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने कि इसका फास्ट ट्रैक सिस्टम किया जाए, हम जो है जो टैलेंट है दूसरे मुल्कों में, जो टैलेंट है थर्ड कंट्री में, उनको हम इनवाइट कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इनवाइट कर सकें। और 10 दिन का टाइम है, विद इन 20 डेज जो मैक्सिमम टाइम है वो 20 डेज है, आपको इसका जो है रिप्लाई मिल जाएगा, या विद इन दिस पीरियड आपको इंटरव्यू भी किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो वीज़ा ऑफिस है वहाँ पे आपको इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, एक शॉर्ट इंटरव्यू। तो वीज़ा डैनियल के लिए अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ, इन केस तो रिफ्यूज़ हो गया वीज़ा, तो आप इसको अपील भी कर सकते हैं विद इन 10 डेज। 10 डेज में आप इस के लिए अपील कर सकते हैं दोबारा से, तो वो आपके, जब आपकी वकील देखी जाएगी, सुनी जाएगी, तो वो आपका डिसीजन दोबारा से वो रिवाइव करेंगे। तो ये जो वीज़ा है ये 1 साल का वीज़ा आपको मिलेगा, 1 ईयर का वीज़ा अगर आप अपनी कंट्री से, अपनी थर्ड कंट्री जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर आप विद इन स्पेन बॉर्डर में, स्पेन एंटर हो गए, अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, यानी आपकी रेजिडेंसी पहले 1 साल की होगी अगर आप कंट्री में, अपनी कंट्री में अप्लाई करेंगे। अगर आप विद इन स्पेन बॉर्डर में अप्लाई करेंगे, विद इन स्पेन टेरिटरी में अप्लाई करेंगे तो आपको 3 साल की रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो ये था नोमैड वीज़ा या रिमोट वर्किंग वीज़ा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो रिमोटली काम करते हैं, फ्रीलांसर का काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ब्लॉगर्स हैं, या कोई अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं फ्रीलांसर का, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइंदा भी ऐसी कुछ वीडियोज़ मैं आपको पेश करूँगा ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।